Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. जी और वापस आ गए एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज है तीसरा दिन, मतलब जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के 30 डेज मांगे थे आप लोगों से, उसका आखिरी दिन। और मतलब यार, पिछली वीडियोस मेरी लेट हो रही हैं, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि यार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती है ना कि जिस वजह से हमको काम रोकना पड़ता है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके चलते ना हम अपना काम पे नहीं फोकस कर सकते, क्योंकि माइंड ऐसे डाइवर्ट होता रहता है ना कि सारा ध्यान वहीं पे जाता है। इस वजह से वो वीडियोस भी मैं नहीं डाल पाया अभी तक, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये डल जाए, तब तक वो वीडियो डल चुकी हो और ये वीडियो भी लेट हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और बिजी भी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में बिजी हूँ मैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि सारी प्रॉब्लम तो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, सबका अपना ओपिनियन होता है कि यार शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरे को शेयर नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, जो भी है, 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया। मैंने पहले ही बोला था, जब मैंने फर्स्ट डे बोला था कि ऐसा नहीं है कि मैं आर्नोल्ड बन जाऊंगा, ठीक है, और जितना मुझसे हो पाया मैंने करा, जितना मुझसे हो सकता था। अब तुम कहोगे कि भाई इतना रिजल्ट नहीं आया, जो भी नहीं आया, ये नहीं आया, मैं ये भी कर सकता था, मैं वीडियो स्किप कर सकता था, मैं बोल सकता था कि यार बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं, या कुछ भी रीज़न पेल देता, बट मैं अपनी शेप दिखाऊंगा। जो भी मैंने इस 30 दिन में अपनी कवर की है, पहले की वीडियो भी मैं आपको चला के दिखा दूंगा, पहले क्या शेप थी और अब क्या शेप है, तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। बाकी आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करना, मतलब बताना, अपने ओपिनियन देना कि जो आपको लगता है कि आपके अंदर जो आप कुछ कहना चाहते हो। गाली भी देंगे कई लोग कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भाई बहुत कुछ हुआ है मेरे लिए। पहले मैं बता दूं, चलो आगे बताएंगे, पहले मैं टी शर्ट उतार के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे 30 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने करा। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था फर्स्ट डे में ही कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आर्नोल्ड बन जाऊंगा या कुछ कर लूंगा। देखो, जितना मुझसे हो पाया, बैली फैट है अभी भी थोड़ा बहुत, एकदम से नहीं जाएगा, पर जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना कवर करा है। और आप देख सकते हो, मतलब मैं लीन चाहता था, क्योंकि बाइसेप मेरा, मैं चाहता था कि पूरी कटिंग हो, प्रॉपर हो, जितना मुझसे हो सकता था मैंने करा है। चेस्ट भी आप देख सकते हो, बाकी बैक मेरी देख सकते हो। देखो, जो है आपके सामने है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इतने दिन बाद डालूंगा वीडियोस, इतने दिन बाद डालूंगा, बट ये जर्नी अभी कंटिन्यू रहेगी, जितना मुझसे हो पाया मैंने करा। और हाँ, इसके पीछे मैं एक और आपको कहानी बताता हूँ कि कहानी ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ना मैंने आप लोगों के लिए भी रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को डेली वीडियोज मिले। मैं चाहता था 30 दिन अगर मैं अपनी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की डालूंगा वीडियोज, तो मैं खुद भी रेगुलर रहूंगा और वीडियोज भी रेगुलर रहेंगी। इसलिए मैंने ये मतलब कॉन्सेप्ट सोचा था कि 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे पता था कि मैं आर्नोल्ड तो बनने नहीं वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने पहले बोल दिया था आर्नोल्ड मैं बन नहीं सकता। और जो भी है आपके सामने है, मतलब जितना मुझसे हो पाया मैंने करा है, देख सकते हो कंडीशन, मतलब इससे इम्प्रूव करेंगे आप। बस मेरा मोटिव ये था कि 30 दिन मैं एक्टिव रहूं, 30 दिन कंटिन्यू मैंने व्लॉग डाले, लास्ट में मिस हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को ये भी नहीं पता ये व्लॉग कब डलेगा, कब आप लोग देखोगे। तो बस जो भी था सामने है, बाकी आपके ऊपर है कि आप अगर करना चाहते हो, आप लोग भी ट्राई करके देखो कि यार 30 दिन खुद को कैसे एक्टिव रखना है, कि एक चीज़ सोच लेनी है मन में
कि भाई ये करना है तो करना है। तो भाई मैंने यही सोचा और 30 दिन मैंने व्लॉग डाले, कुछ 2-3 दिन मिस हो गए, कुछ दिन मैं जिम भी नहीं गया, 3-4 दिन, ज़्यादा दिन तो नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, 3-4 दिन मैं जिम नहीं गया लास्ट में, लास्ट के डेज में, बाकी जो भी है सामने है, और कंटिन्यू रखेंगे इस जर्नी को, यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देंगे। और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी व्लॉग्स देखने हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ दिखा दो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been